स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आई टी एग्जाम में। डियर, ये क्लास ऑनलाइन होनी थी, तो लाइव क्लास होनी तो थी भैया, कुछ नेटवर्क का इशू होने के कारण ये क्लास लाइव नहीं हो पाई, तो इस कारण से मैं इसको ऑफलाइन डाल रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर अपलोड कर दूंगा। ठीक है, चलिए। तो आज की जो क्लास है ये हमारी इलेक्ट्रिशियन थ्योरी सेकेंड ईयर की है, और जितनी भी पहली जो क्लासेस हैं वो आपको हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। प्लेलिस्ट में आप चेक कर लेना एक बार जाकर के, वहाँ पर सारे की सारी जितनी मैंने क्लासेस करवाई हैं सारे की सारी आपको उसमें देखने को मिल जाएंगी। चलो तो स्टार्ट करता हूँ आज क्वेश्चन से। देखो, एम्पलीफायर सर्किट का प्रकार पूछा है कि इस एम्पलीफायर सर्किट का आपको प्रकार बताना है कि किस प्रकार का एम्पलीफायर सर्किट है। अब देखो भाई साहब, एम्पलीफायर सर्किट पहले तो आपको पता होना चाहिए एम्पलीफायर सर्किट इसमें है कहाँ से, है ना। ये पूरा का पूरा है वैसे तो है, लेकिन यहाँ पर ध्यान दो ये हमारे पास सर्किट लगा है। अब देखो, इसने बोला है, थोड़ा सा लॉजिक समझने की कोशिश करना कि किस प्रकार का है। तो देखो, अगर आपको कलेक्टर नीचे दे रखा है तो कलेक्टर होगा, ठीक है। बेस दे रखा है तो बेस होगा, एमिटर दे रखा है तो एमिटर होगा, ठीक है। यहां पर आप लोग चेक कर सकते हो, तो नीचे यहाँ पर कलेक्टर दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर क्या दिया गया, कलेक्टर है, तो कॉमन कलेक्टर मेरे पास एम्पलीफायर ये कहलाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर बेस दिया होता तो मैं बेस बोलता, अगर एमिटर दिया होता तो मैं इसको एमिटर बोलता, क्लियर है। चलिए, 62 नंबर सवाल आता है कि 220 वोल्टेज RMS, है ना, AC वोल्टेज का पीक वोल्टेज क्या होगा, है ना। देखो, यहां पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है, आप लोग जानते होंगे इसका जो फॉर्मूला है पीक वोल्टेज का, है ना। पीक वोल्टेज का जो मेरे पास फॉर्मूला होता है वो होता है भैया यहाँ पर RMS वोल्टेज, ठीक है। RMS वोल्टेज अपॉन में ये 0.70 से, ये भी शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पर फॉर्मूला क्रिएट है, इसे भाग देना है। तो देखो, RMS वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 220, ठीक है। उसके बाद नीचे मुझे क्या दे रखा है, 0.707, है ना। अब देखो, ध्यान रखना प्यारे साथियों, आप लोगों ने इसका आंसर भी लगा दिया होगा, जब मैं यहाँ से पॉइंट हटा दूंगा यहाँ से, तो ऊपर कितनी जीरो आ जाएंगी, 1 2 3 0 आ जाएंगे। क्यों, क्योंकि 1 2 3 अक्षर है यहाँ पर, तो बाकी का आप इसका सॉल्यूशन कर लेना है, ठीक है। इसको आपको भाग देना है, क्योंकि अगर भाग देने लग गया तो बहुत लंबी क्लास हो जाएगी। तो यहाँ पर 311 के समथिंग यहाँ पर आंसर जाएगा, 0.17 में, हाँ ठीक है। तो ऑप्शन जाएगा मेरे पास बी जाएगा, इसको आप भाग कर लेना, ठीक है, क्लियर है। फॉर्मूला आपका यही यूज होगा, ठीक है। भाग तो आप बड़ी आसानी से कर लोगे, वीडियो को रोक दो और भाग करना स्टार्ट करो। चलो, 63 नंबर है कि जो आपका सीआरओ होता है, सीआरओ के इनपुट प्रतिबाधा को कैसे बढ़ाया जा सकता है। सीआरओ के इनपुट प्रतिबाधा की बात हो रही है भाई साहब, तो हम इसको कैसे बढ़ाएंगे, ये सवाल आपसे पूछा है। तो इसका एक तरीका है, देखो सीआरओ आपका ओपन, मैंने डायग्राम भी दिखाया था कि सीआरओ आपका इस प्रकार से होता है, जिसमें आपने हॉस्पिटल देखे होंगे, हॉस्पिटल में देखा होगा ना कि जैसे इसमें लिखा गया होता है भाई, जैसे कोई पेशेंट होता है उसकी जो पल्स होती है वो दिखती रहती है उसमें, कि ये इतनी पल्सेस की चल रही है, उठ रही है, डिम डाउन जा रही है। मैं कैसे बात कर रहा हूँ, मैं इस प्रकार से बात कर रहा हूँ, जैसे पल्स दिखाते रहते हैं ना कंप्यूटर में, ऊपर उठी फिर पल्स नीचे की साइड जा रही है, फिर ऊपर से उठ जाती है, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से क्या होता है, हमारे पास इसमें भी जो सीआरओ होता है वो भी यहाँ पर रेटिंग हमारे दिखाता रहता है, डाउन जा रही है, अप जा रही है, इस प्रकार से दिखाता रहता है ना। तो यहाँ पर हम यहाँ पर पोप का यूज करते हैं। पोप कैसे होते हैं, दो मेरे पास लीड होती है, लीड टाइप की होती है, एक रेड रेड होती है, एक मेरे पास ब्लैक होते हैं, लीड होते हैं लीड। उन लीड को हम इन छेक में यहाँ पर जो सुराख से दिख रहे हैं ना आपको, इनमें पुरो देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, एक को तो मैं इसमें यहाँ पर पिरो दूंगा, और एक के पास क्या लगा दूंगा, रेसिस्टेंस लगा दूंगा, क्या लगा दूंगा, रेसिस्टेंस। जिससे क्या हो जाएगा, जो इनपुट प्रतिबाधा है वो हमारी बढ़ जाएगी, किससे, रेसिस्टेंस से। तो ऑप्शन जाएगा यहाँ पर सीआरओ पोब में प्रतिरोध को जोड़कर हम इसका जो आपका प्रतिबाधा है इसको बढ़ा सकते हैं, क्लियर है। चलो, 64 नंबर सवाल आता है, पूछ रहा है 0.2 माइक्रो सेकेंड में टाइम बेस सेटिंग के साथ 5 डिवीजन द्वारा कवर किए गए सीआरओ स्क्रीन पर प्रदर्शित सिग्नल की आवृत्ति क्या होगी। तो देखो, आवृत्ति पूछी है, लेकिन सबसे पहले देखो आपको क्या निकालना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि आवृत्ति फ्रिक्वेंसी मेरे पास क्या होती है, 1/T होती है, लेकिन मुझे टी का मान ही नहीं पता, टाइम मुझे नहीं पता है। तो टाइम निकालने के लिए मैं सबसे पहले क्या काम करूंगा, टाइम बराबर क्या होगा मेरे पास यहाँ पर, है ना, टाइम मैं यहाँ पर निकालूंगा। और मेरे पास जो यहाँ पर डिवीजन दे रखा है वो क्या होता है, मेरे पास डिवीजन, जो मेरे पास फॉर्मूला होता है मल्टीप्लाई टाइम बेस, ये मेरे पास फॉर्मूला होता है टाइम बेस, ठीक है। टाइम
टाइम बेस सेटिंग। जो डिवीजन है वो कितना दे रखा है, 5 दे रखा है। 0.2 मेरे पास क्या दे रखा है यहाँ पर, माइक्रो सेकेंड दे रखा है, टाइम भी बेस दे रखा है। तो देखिए जब मैं यहाँ से पॉइंट हटाऊंगा, है ना, जब मैंने यहाँ से पॉइंट हटाया तो नीचे कितनी जीरो आ गई, 10 आ गई, है ना। ये कितना हो जाएगा, 2 पंजे 10 और 5, इससे 5 कट गया एक बार में, तो मेरे पास टी आया, मेरे पास एक। अब ये किस में आएगा, एमएस में आएगा, मिली सेकेंड में। किस में आएगा भैया, एक ये मिली सेकेंड में, बस रख दो, मिली सेकेंड में है तो भैया 10 की घात 3 आ जाएगा, ठीक है। एक है यानी कि 6 10 की घात 3 लिख दो, ये 10 की घात 3 जाकर मेरे पास ऊपर चला जाएगा, मेरे पास जब इसको ऊपर करूंगा तो पॉजिटिव बन जाएगा, 10 की घात 3 बन जाएगा। 10 की घात 3 को मैं लिख सकता हूँ भैया यहाँ पर 1000, है ना, 1000 लिख सकता हूँ किसमें, KHW में, ठीक है। तो ये मेरे पास आंसर जाएगा ऑप्शन डी के समथिंग जाएगा ना, ऑप्शन डी आपका इसमें करेक्ट चला जाएगा। भाई कहीं पर भी अगर आपको सवाल बनता है तो आप मुझे लास्ट में कमेंट करना, ठीक है, अगर कोई भी आपको दिक्कत होती है तो, ठीक है भाई साहब। चले, रेडियो में क्या खराबी आएगी अगर पल्सेन, है ना, पल्सेशन को रेक्टिफायर के इनपुट से नहीं हटाया जाए, है ना। देखो ध्यान रखना, अगर आप उसको नहीं हटाओगे तो क्या होता है भैया, आपने देखा होगा जैसे मच्छर, मच्छर कैसे करता है, मच्छर की आवाज कैसे होती है, घूं घूं सी करता है ना, घूं घूं सी करता है क्या मच्छर, भाई साहब कान खा लेता है जब मच्छर घूं घूं करता है ना कान में, तो बस इस प्रकार की ध्वनि सुनाई देती है अगर आप उसको नहीं हटाएंगे तो, ठीक है। कैसी आवाज सुनाई देगी, जैसे मच्छर भिन भिन करता है ना, जैसे मक्खियां मच्छर भिन भिन करते हैं, घूं घूं, बहुत मतलब बेकार धुन लगती है भाई साहब ये, है ना। तो जो ऑप्शन जाएगा तो कैसी आवाज आती है, अब ट्यून तो उसमें बजने से लगी, घंटी थोड़ी बजेगी उसमें, है ना, अब कोई प्रतिक्रिया ये भी नहीं, प्रतिक्रिया तो होगी तो आवाज कैसी सुनाई देगी, मैं हमें गुनगुनाती हुई आवाज सुनाई देगी, घूं घूं से की, है ना, गुनगुनाती हुई आवाज सुनाई देगी, अजीब किस्म की सुनाई होगी, ठीक है। तो ये हमारे पास डी भी नहीं जाएगा, तो ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट चला जाएगा, क्लियर है। चलो 66 पूछ रहा है, रिक्तिकरण क्षेत्र कैसे व्यवहार करता है ना, किसकी पूछ रहा है, डिप्लेशन की बात हो रही है यहाँ पर, रिक्तिकरण क्षेत्र कैसे व्यवहार करता है, किसमें, कुचालक सुचालक या फिर प्रतिरोध में, है ना जी, बिल्कुल। तो यहाँ पर ध्यान रखना डियर, हमारा जो कुचालक रूप में क्या करता है, ये व्यवहार करता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें करेक्ट चल जाएगा। 67 पूछ रहा है, 66 के वोल्टेज लाभ और ट्रांजिस्टर के 100 बेटा के साथ जो सी यानी कि एम्पलीफायर की शक्ति का लाभ क्या होगा, है ना। तो देखो यहाँ पर फॉर्मूला होता है मेरे पास पावर गेन का, किसकी बात हो रही, पावर गेन की तो बात पूछ रहा है, पावर गेन पूछ रहा है मेरे से, पावर गेन का जो मेरे पास फॉर्मूला बनता है, ठीक है, जो मेरे पास पावर गेन का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वोल्टेज गेन, है ना, वोल्टेज गेन मल्टीप्लाई यहां पर होता है बीटा, ठीक है। वोल्टेज गेन मेरे पास कितना है भैया, 66 है, बीटा कितना दे रखा है, 100 दे रखा है, दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, पावर गेन आ जाएगा 6600, मेरे पास आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर डी, है ना, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट चला जाएगा, क्लियर है। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है पावर गेन का, क्लियर है भाई साहब। चलो 68 नंबर आता है, एससीआर को चालन में लैच किया जाता है और डीसी में गेट करंट हटा दिया जाता है ना, ये सवाल आपसे पूछा है 68 में, तो किसके कारण, यानी कि गेट चालन क्या करता है, अपने जो कंट्रोल होता है ना, जो अपना कंट्रोल होता है उस पर, वो उससे खो देता है ना, कंट्रोल अपना अपने आप पर खो देता है, तो इस कारण से इसको हटा देते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी आपका इसमें क्लियर चला जाएगा, जो ऑप्शन डी लगा रहे हैं बिल्कुल सही है, ठीक है। चलो 9th नंबर 69 कि JFET में पिच ऑफ वोल्टेज का क्या प्रभाव है, अब देखो जी ये पिच ऑफ वोल्टेज है, ये क्या है मेरे पास, जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, क्या होती है, जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर होती है मेरे पास ये, ठीक है। अब अगर हम ऑप्शन की बात चलेंगे, ऑप्शन के साथ चलेंगे, यहां पर ऑप्शन जाना चाहिए भैया, कौन सा ना, आप लोग क्या ऑप्शन मार सकते हो, देखिए इसमें कोई रिक्तिकरण मौजूद नहीं है, यह तो ऑप्शन नहीं होगा, ड्रेन करंट शून्य हो जाता है, हाँ ये सिस्टम सही बैठ सकता है इसमें, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है भैया इसमें बी सही चला जाएगा, क्लियर है। चलिए तो साथियों ये थे आज की क्लास, और ये आज का जो हमारा चैप्टर था ये कंट्रोल हो चुका है, हमारा जो है कंप्लीट हो चुका है, जो कल हमारा चैप्टर चलेगा वो कंट्रोल पैनल चलेगा, जिसे मैं आपको स्टार्टिंग में थोड़ा बेसिक से बता दूंगा, उसके बाद फिर हम क्वेश्चन करके स्टार्ट कर देंगे, ठीक है।
तो ये हमारा चैप्टर जो है कंप्लीट हो चुका है। इलेक्ट्रॉनिक जो हमारा चैप्टर चल रहा था ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, बाकी अगर आपको कोई भी डाउट बने फिर आप मुझे लास्ट कमेंट करना, और एग्जाम से पहले आप लोग परफेक्ट हो जाओगे क्योंकि यही पैटर्न आपके एग्जाम में रहने वाला है, ऐसे सवाल आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है एग्जाम। चलिए तो फिर आज की क्लास को यहीं पर ध्यान करता हूँ, मिलता हूँ कल इसी समय। आज की क्लास को यहीं पर ध्यान करता हूँ। देखो ये क्लास जो है लाइव होनी थी, इस वजह से नहीं हो पाई, इसलिए मैं इसको अपलोड कर रहा हूँ, है ना। थोड़ी दिक्कत हो सकती है आपको भी लाइव में, थोड़ी सी और अच्छा समझ में आ जाता है लाइव में, पूछ लेता हूँ मैं आप लोगों से, तो फिल्म थोड़ी यहाँ पर अपलोड करने में थोड़ी दिक्कत होती है ना। चलो कोई नहीं, कल से लाइव हो जाएगी क्योंकि नेटवर्क प्रॉब्लम चल रहा है आज, तो आज कल ठीक हो जाएगा। तो इसी के साथ मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में, आज इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।